नए संसद भवन पर लगे देश के राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है खास? 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ की क्यों हो रही है हर जगह चर्चा? कांसे का बना है अशोक स्तंभ की क्या है कहानी? देश की आन बान और शान अशोक स्तंभ, और ये अशोक स्तंभ पूरे देश में आज एक बार फिर से भारत के गौरव का प्रतीक तब बना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर इसे स्थापित किया। सेंट्रल विस्ता के शिखर पर 6.5 मीटर लंबे कांस्य के अशोक स्तंभ देश के गौरव का प्रतीक होगा। तो क्या है इस अशोक स्तंभ की खासियत, क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसमें खास जिसे पूरे देश को देखना और समझना चाहिए? चलिए आप भी जान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि राष्ट्र का प्रतीक अशोक स्तंभ देश की नई संसद की शोभा कैसे बढ़ाएगा। सबसे पहले इस विशाल से दिख रहे अशोक स्तंभ के वजन और उसकी ऊंचाई को भाप लेते हैं। अशोक स्तंभ में क्या है खास और वो भी देखिए। कांसे का बना ये प्रतीक चिन्ह लगभग 9,500 किलोग्राम का है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इतना ही नहीं, इसके सपोर्ट के लिए करीब 6,500 किलोग्राम स्टील का अलग से इस्तेमाल किया गया है। 20 फीट ऊंचा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कई किलोमीटर दूर से दिखाई देगा। वैसे ऐसे स्तंभ का निर्माण इसलिए भी खास है क्योंकि स्तंभ को स्थापित करने के लिए 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी जी जान लगा दी और अशोक स्तंभ को 8 चरणों की प्रक्रिया के बाद पूरी तरह से तैयार किया गया। शानी कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस विशाल काले अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया। वैसे तो नई संसद पूरी तरह से दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, शानी की टारगेट है। और खास बात यह है कि देश के इस नए संसद भवन में बैठने की शानदार व्यवस्था भी होगी। चलिए अब देश की नई संसद के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारियाँ आपको देते हैं। संसद भवन का बजट 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। पहले ये खर्च कम था मगर नए संसद भवन के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो सकते हैं। 2020 में नए संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट को 971 करोड़ रुपए में मिला था। सरकार ने भवन के लिए अक्टूबर 2022 की समय सीमा तय की थी। इतना ही नहीं, इसी साल नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र आयोजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वैसे नई संसद की नई इमारत की एक खासियत और भी है और वो ये कि ये इमारत पूरी तरह से भूकंप के तेज झटकों को झेलने की ताकत भी रखेगी। बकायदा 5 मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस इमारत को खड़ा किया जा रहा है, यानी बेहद खास होगी देश की सबसे बड़ी पंचायत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।